अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग इस वक्त बाकु एयरपोर्ट पर हैं। हुआ इस तरह है कि जी हम लोग 14 लोग थे, उनमें से तकरीबन 10 लोग क्लियर हो गए। दो लड़कों का वीज़े में डेट का इशू था और बाकी लोगों के पास जिनके पास रिटर्न टिकट की कॉपीज़ नहीं थी उनको भी वहाँ पर रोक लिया। तो अब हम लोग जो हैं उन बाकी 4 लोगों का भी वेट कर रहे हैं, जैसे ही आते हैं तो फिर हम लोग इंशाल्लाह जो है आगे यहाँ से रेंट कार पे, हमने 2 H1 ली हुई है, वहाँ से हम आगे जो है मूव करेंगे गबाला की तरफ बाकू से। अस्सलाम वालेकुम जी, अब हम लोग इस वक्त रास्ते में हैं और ये कबाब हाउस, यहाँ पे हम लोग जो है अब रुक कर नाश्ता करेंगे, जो कि गबाला जाते हुए तकरीबन 2 घंटे का सफ़र अभी हमारा रहता है। तो उस नाश्ता करके, चूंकि सब लड़के जो है वो रात के अबूधाबी से चले हुए हैं, तो अब हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के नाश्ता किया जाए और उसके बाद फिर आगे गबाला की तरफ मूव किया जाए। तो नाश्ता हमने कर लिया है, तो अब मज़ीद जो है तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव बता रहा है मैप, जो है ना 2 से 3 घंटे हम रास्ते में जो है ना गबाला जाने में लगेंगे अभी हमें। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह गबाला पहुंच के तो आपको मज़ीद अपडेट देते हैं।
अब ये हम गबाला शहर के अंदर, ये कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, एक हिल स्टेशन की तरह का शहर है। और अब हम अपने विलास की तरफ जा रहे हैं। हमने एक्चुअली दो विलास, वन 14 पर्संस के लिए लिया है। उन्होंने हमें ये कहा था कि जी आप इन विलास, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन बुक करवाया था एक विला, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कि अगर आप 14 फैमिली मेंबर्स नहीं हैं और सिर्फ मेल हैं, तो हम आपको जो है वो दो विलास देंगे, 7 पर्सन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो देखते हैं जाके जी दोनों विलास कैसे हैं। विला पहुंच के मैं आपको मज़ीद अपडेट देता हूँ जी, हमारे विलास कैसे हैं। मैं आपको इनफैक्ट शेयर करने की भी कोशिश करूँगा कि विलास कैसे हैं। इस वक्त हम गवाला मेन मार्केट, आप कह लें कि बाज़ार मरकज़ में से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे कुछ गवाला की शॉप्स हैं, आप दाएं बाएं देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया है, तकरीबन 5-8 मिनट की ड्राइव है, जहाँ से जो है ना फिर हम अपने विला में पहुँच जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये जी राइट साइड पे पहला विला, और ये दूसरा विला, हमारी टीम के दूसरा मेंबर जो है वो गाड़ी अंदर कर रहे हैं। ये दो विलाज हैं ये सामने जी, जिनसे हमने विलाज रेंट पे लिए हैं। इसके अप्रॉक्सीमेटली हमने वन नाइट स्टे का, दोनों विलाज का लिया है, तकरीबन दिया है इन्हें तकरीबन 1000 दरहम के लगभग। और हमारा सफ़र यहाँ पे आज ख़त्म होता है। गबाला अब हम पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो टीम के मेंबर्स हैं वो अपना सामान वगैरह अंदर सेट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और विला को देख रहे हैं। तो विला का अंदर से डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आगे हमारा क्या प्लान है, जिसमें हमारा फ़िलहाल आज जो है वो रेस्ट करेंगे, और रात में हमारा बारबेक्यू का प्लान है। इसमें बारबेक्यू की फैसिलिटी है और बहुत सी चीज़ें करने का प्लान है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।